हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल YT Tips For You में। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने YouTube चैनल के लिए तीन ऐसे सेटअप तैयार कर सकते हैं जो कि आप फ्री में घर पर बना सकते हैं सेटअप, और उनकी मदद से आपकी वीडियो काफ़ी प्रोफेशनल लगेंगी और आपका चैनल भी काफ़ी प्रोफेशनल हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं तीन सेटअप्स के बारे में। बट अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जो थंबनेल में आपने सेटअप देखा था ये उसका सैंपल है गाइस। ये बहुत तगड़ा सेटअप है तो इसको वीडियो में मिस मत करिएगा। वीडियो में मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से मैंने ये सेटअप फ्री ऑफ कॉस्ट तैयार किया, और आप भी फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं जी हाँ गाइस। एक भी रुपये खर्च नहीं होने वाला है आपका, किसी भी चीज़ में खर्च नहीं होने वाला, लाइट वगैरह किसी में नहीं है। तो चलिए गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मेरे चैनल पर प्रमोशन बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। जैसे ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं मैं आपका चैनल प्रमोट करना स्टार्ट कर दूंगा। तो गाइस, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, उस पर ज्वाइन हो जाइए, उस पर मैं अपडेट देता रहूंगा, और यूट्यूब चैनल पर भी वीडियो आ जाएगी 1000 सब्सक्राइबर्स होने के बाद। तो चलिए गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। गाइस, नंबर वन सेटअप को आप एक टिप की तरह ले सकते हैं। अगर आप सेकंड और थर्ड नंबर के सेटअप को नहीं बना पाते हैं किसी वजह से, तो आप इस टिप को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी वीडियो की क्वालिटी को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी और काफ़ी अच्छी क्वालिटी आपको प्रोवाइड कर देगी। तो गाइस, टिप है कि आपको आउटडोर वीडियो शूट करनी है। आउटडोर वीडियो शूट करने से आपकी वीडियो की क्वालिटी काफ़ी अच्छी आती है, क्योंकि आपका फ़ोन का जो कैमरा होता है काफ़ी छोटा होता है, तो जिससे आपके फ़ोन के कैमरा को ज़्यादा लाइटनिंग चाहिए होती है, और ज़्यादा लाइटनिंग आपको सबसे अच्छी लाइटनिंग डे लाइट में आपको मिल पाती है। यानी आउटडोर जो आपको सूरज से डायरेक्ट लाइट आती है वो आपको सबसे अच्छी लाइटनिंग प्रोवाइड कराता है, और वीडियो की क्वालिटी को वो नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। जी हाँ गाइज, नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है, बहुत अच्छी क्वालिटी आती है। आपका कितना भी ख़राब फ़ोन हो, आउटडोर अगर आप शूट करके देखेंगे तो आपकी सबसे बेस्ट क्वालिटी आएगी वीडियो की। तो गाइज़, इसको आप ज़रूर ट्राई करें, और चलते हैं बढ़ते हैं अपने सेकेंड सेटअप की तरफ। सो गाइस, सेटअप नंबर टू के लिए आप एक ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये ग्रीन स्क्रीन को क्रोमा की के नाम से जानते हैं, बैकड्रॉप के नाम से भी जाना जाता है, ग्रीन बैकड्रॉप के नाम से। तो ये होता क्या है, ग्रीन स्क्रीन एक कपड़ा होता है जिसकी मदद से आप अपने बैकग्राउंड को ईजिली रिमूव कर पाते हैं चुटकियों में। जी हाँ गाइस, पहले ही ये कंप्यूटर से ही पॉसिबल था रिमूव करना, बट अब आप मोबाइल की मदद से भी आप रिमूव कर सकते हैं, बट मोबाइल में अभी भी इतना अच्छा इफेक्टिव नहीं हो पाता है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास एक कंप्यूटर है तभी आप इसे इस्तेमाल करें, क्योंकि मोबाइल में इतनी अच्छी रिमूविंग नहीं हो पाती है और थोड़ा सा मतलब ग्रीन स्क्रीन रह जाता है तो अच्छा नहीं लगता है वीडियो क्वालिटी। तो कंप्यूटर से अगर आप करें तो आप ग्रीन स्क्रीन को खरीद सकते हैं, मैं आपको रेकमेंड करता हूं। और ग्रीन स्क्रीन से आप चुटकियों में रिमूव कर सकते हैं जी हाँ गाइस, बट इसके लिए आपको काफ़ी अच्छी लाइटनिंग चाहिए होती है। तो अगर आपके पास लाइटनिंग नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, तो आप इसको ट्राई ना करें। आप थर्ड नंबर के सेटअप पर जा सकते हैं जो कि इससे भी बढ़िया है, और गाइज काफ़ी अच्छी वीडियो क्वालिटी आपको प्रोवाइड करा देगा। जी हाँ गाइज, आप इतने प्रोफेशनल लगेंगे कि नेक्स्ट लेवल पर आपकी वीडियो की क्वालिटी को ले जाएगा। तो चलिए गाइज, थर्ड नंबर की सेटअप को शुरू करते हैं। सो गाइस, थर्ड नंबर के सेटअप के लिए आपको एक रूम में जाना है जिसकी लाइट को आपको ऑफ कर देना है। उसके बाद आपको इस तरह की एक लाइट बना लेनी है। ये घर पर आप बना सकते हैं, इसके बहुत सारे YouTube के ट्यूटोरियल आपको देखने को मिल जाएंगे। इसे सॉफ्ट लाइट कहते हैं, और आप सर्च कर सकते हैं YouTube पर। इसमें चारों तरफ एल्यूमिनियम से कवर रहता है और पीछे बल्ब का होल्डर रहता है, तो ये आपके फेस पर रहेगी कुछ इस तरह से सामने, ताकि जो लाइट इससे आए वो आपके डायरेक्ट फेस पर आए और बैकग्राउंड में कोई भी लाइट ना जाए, बैकग्राउंड आपका बिल्कुल काला हो जाए यानी डार्क हो जाए। आप चाहें तो कुछ बल्ब्स वगैरह लगा सकते हैं बैकग्राउंड में, बट वो रोशनी वाले बल्ब्स नहीं होने चाहिए, जो आप दिवाली पर लगाते हैं छोटी छोटी लाइट्स होती हैं वो आप लगा सकते हैं बैकग्राउंड में। वो अच्छा कलर प्रोवाइड करेंगे आपके बैकग्राउंड को, और कलरफुल लाइट्स लगाइएगा, कोई सिंपल लाइट्स मत लगाइएगा। तो गाइस, इसकी मदद से आप लोग काफ़ी अच्छा और प्रोफेशनल सेटअप तैयार कर सकते हैं, जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं। तो गाइज, अगर आपका बैकग्राउंड ज़्यादा डार्क नहीं हो पाता है, मतलब कुछ लाइट रह जाती है आपके बैकग्राउंड पर, तो आप क्या कर सकते हैं, काइन मास्टर में जाइए, वीडियो पर क्लिक करिए, और आपको यहाँ पर एडिट में जाना है, और इस तरह से आपको एडजस्टमेंट पर क्लिक करना है, और आपको सेकंड नंबर का ऑप्शन जो है इसको थोड़ा सा बढ़ा देना है। ये कॉन्ट्रास्ट होता है, जिससे क्या होगा, आपका बैकग्राउंड जो है और डार्कर हो जाएगा, और आपका फेस जो है और ब्राइटर हो जाएगा, जिससे और अच्छी वीडियो क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी। सो गाइस, यहीं पर हमारी वीडियो खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं YouTube से रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूँ, और 1000 सब्सक्राइबर होने पर मैं आपके चैनल से प्रमोशन से रिलेटेड काफ़ी अच्छी अनाउंसमेंट लाने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए गाइस, खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।